हाय फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ आपके साथ, जो कि है VLCC का सैंडल क्लेंजिंग मिल्क। क्लेंजिंग मिल्क के फ़ायदे मैंने अभी एक दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे किसी और रेफरेंस में। आज मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ आपके साथ। तो ये जो क्लेंजिंग मिल्क है, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। मतलब अगर आपके पास ऑयली, आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और ये डीप क्लीन करता है और सूथ करता है स्किन को। तो बेसिकली दोस्तों, ये कह रहे हैं कि ये सैंडलवुड से बना हुआ है। इसका सैंडल क्लेंजिंग मिल्क नाम ही है, सैंडल मतलब चंदन। तो इस प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये रिफ्रेश करता है, फोमिंग क्लेंजिंग मिल्क है, और इसको एलमंड्स और इंडियन बर्बरी एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, और इसमें सैंडल ऑयल है। इसमें लिखा है कि ये डीप क्लेंस करता है स्किन इम्प्योरिटीज़ को, नरिश करता है और हील करता है स्किन को। मेथड ऑफ यूज़ लिखा है कि थोड़ा सा अमाउंट क्लेंजिंग मिल्क का लेके उसको मसाज करने के लिए सर्कुलर मोशंस में फेस और नेक पे, और रिमूव विद अ डैम्प कॉटन, गीले कॉटन से हटा देने के लिए। और इन्होंने पीछे पर लिख रखा है कि आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अब इसमें सामने तो इन्होंने लिखा है नॉर्मल टू ड्राई स्किन, पर पीछे लिखा है आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दिस। लेकिन उसके बाद लिखा है कि बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको इवनिंग में यूज़ करें, और मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करें, और उसमें लिखा है कि इसके आगे इसका मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी, आप यहाँ पे इसको पॉज करके इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं इसमें क्या मेंशन है। और ये 160 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, और इसकी क्वांटिटी है 100 ml। 160 ml का प्रोडक्ट और क्वांटिटी 100 ml है, और ये VLCC कंपनी का है, हैंड्स ऑन एक्सपर्टाइज है इनका। बाकी ये सब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब मेंशन करिए कहाँ पे है, बैच नंबर, और एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, और इसमें लिखा है एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अपने चैनल पे फीचर करूँ, क्योंकि मैं आपको बताती रहती हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में। अब दोस्तों इसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह कैसी है। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, नॉर्मल क्लेंजिंग मिल्क जैसा होता है ना दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही है, और इसकी इफ़ेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इससे इंट्रोड्यूस कराऊं, क्योंकि अभी तक मैं एक दूसरी कंपनी का ही यूज़ करती आई थी, पर जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसको वाइप आउट करके काफ़ी डर्ट वगैरह निकल जाता है एक स्वाइप में, जबकि मैंने नहाया हुआ है सुबह, फिर भी आई एम फीलिंग कि मेरे को काफ़ी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ आ रही है। उसमें थोड़ा मसाज करने के लिए कहा गया, और उसके बाद अगर आप स्किन फील करें ना, थोड़ी मॉइस्चराइज सी लग रही है। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि ये थोड़ी सी ड्राई स्किन के लिए है। अगर ऑयली स्किन वाले यूज़ करेंगे तो प्लीज़ फेस वॉश कर लीजिए उसके बाद साबुन वगैरह से, तो वो आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि मेरी भी ऑयली स्किन है, इसलिए मैं ऑयली स्किन के हिसाब से ही ज़्यादा आपको वो बताती हूँ, क्योंकि जैसा मेरा स्किन टाइप है उसके बारे में मैं ज़्यादा बातें कर पाती हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा मॉइस्चराइजिंग है, इसका ध्यान रखिएगा कि अगर फेस पे यूज़ करते हैं तो, अगर आपको मॉइस्चराइजेशन नहीं चाहिए इससे तो प्लीज़ वॉश वगैरह कर लीजिए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ज़रूर याद रखिएगा, जिससे आप मेरा हाथ ना छोड़ दें, मतलब आप मेरे को खो ना दें। ओके, जब तक अगली बार नहीं मिलते, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।